टूटेगा, टूटने के बाद क्या बनता है, मानी कि आपको ये इमेजिन कर चलना है कि प्रोटीन टूटेगा, अमीनो एसिड जो है उसका डाइजेशन होगा, और दोनों डाइजेशन होने के बाद जो क्या बनता है, अमीनो अमोनिया बनता है हमारी बॉडी। ठीक है, तो अमोनिया आप कह सकते हो कि एक क्या है, एक बहुत ही बड़ा क्या है हमारी बॉडी में, नाइट्रोजीनस वेस्ट। अब यहीं से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी शुरू हो जाते हैं इसी स्टेटमेंट से, कि स्टेटमेंट दे देंगे आपको एमसीक्यू में कि अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजीनस वेस्ट इन मैमल। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा है। ठीक है, अच्छा फिर अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखना, देर आर थ्री ग्रुप्स, सेकेंड पॉइंट बनाकर लिखो, देर आर थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ अमोनिया इराडिकेशन फ्रॉम द बॉडी। देर आर थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देर आर थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ अमोनिया इराडिकेशन देर आर थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ अमोनिया इराडिकेशन इराडिकेशन फ्रॉम द बॉडी। यानी कि तीन ग्रुप्स अलग अलग बनाए गए हैं पूरे लिविंग वर्ल्ड में, कि किस तरीके से जो ये नाइट्रोजन वेस्ट है अमोनिया, वो कैसे अपनी बॉडी से इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो अमोनिया होता है ना, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। ठीक, अगर इन केस किसी की मैमल के बॉडी में वो बहुत ज्यादा टाइम तक रह जाए, यानी कि 4 घंटे से ज्यादा या 5 घंटे से ज्यादा रह जाए, तो वो बॉडी में पॉइजनस इफेक्ट जो है वो पैदा करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमारे अभी क्या हुआ है, बायोलॉजी में तीन ग्रुप्स अलग अलग बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमोनिया इरेडिकेशन, कि किस तरीके से वो अपने अंदर जो खाना खा रहे हैं, खाना टूट रहा है, उससे वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया बन रहा है, किस तरीके से वो अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, उसके बेसिस पे तीन ग्रुप बनाए गए। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप है उसका नाम लिखो, उसको क्या बोलते हैं, पहले ग्रुप को बोलते हैं अमोनोटिलिज्म। थोड़ा सा आप दोनों के लिए नया होगा ये वर्ड, अमोनो AMMONO, अमोनोटिलिज्म, TELISM। ठीक है, अमोनोटिलिज्म। इसमें एरो बनाओ। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, इसमें ऐसे जानवर हैं जिनमें खाना खाने के बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ ये अमोनिया बनता है, जो कि एक वेस्ट है, और उनको जितनी जल्दी हो सके अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, लेकिन उनमें इस अमोनिया को निकालने के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन नहीं है, या अमोनिया को किसी और चीज में चेंज कर दिया जाए कि वो कम हार्मफुल, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस सारे जो ग्रुप्स हैं या जो सारे एनिमल्स हैं, उनको हम लोग किस में रखते हैं, अमोनोटिलिज्म में रखते हैं, क्योंकि तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका अपना रखा है, लिख लीजिए इसके आगे एरो बना के, एलिमिनेट अमोनिया, एलिमिनेट एलिमिनेट मतलब अपनी बॉडी से। ठीक है, एलिमिनेट अमोनिया थ्रू वॉटर, एलिमिनेट अमोनिया थ्रू वॉटर, थ्रू वॉटर। यानी कि ये ऐसे जानवर होते हैं जो कि एज यूजल है थ्रू वॉटर, यानी कि ये पानी के अंदर रहते हैं सारे के सारे ज्यादातर, और क्या होता है कि आसपास पूरा पानी से कवर अप है। तो आप लोगों ने क्लास 7, 8, 9 में पढ़ा होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर अपने आप जो है चीजें चली जाती हैं। तो इनकी बॉडी में जितना ज्यादा अमोनिया बनता जाता है, तो इनकी बॉडी क्या हो जाती है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाली अमोनिया बन जाती है, और बाहर पानी क्या होता है, लेस उसका होता है, लो अमाउंट ऑफ अमोनिया होता है। तो अपने आप क्या होता है, इनकी बॉडी से जो अमोनिया होता है स्किन के थ्रू बाहर निकल के पानी में चला जाता है। सबसे आसान तरीका है अमोनिया एलिमिनेट करने का। अच्छा, हमारी बॉडी में, हम ह्यूमंस में ऐसा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को दूसरे में चेंज करते हुए बताऊंगा, लेकिन बस आपको ये समझना है कि अमोनोटेलिज्म में वो आपके जानवर रखे गए हैं जिनमें कोई तरीका नहीं है कि जो ये हार्मफुल आपका जो अमोनिया है, जो कि आपने प्रोटीन खाया है, अमोनियो एसिड खाया है, उससे आपका ये वेस्ट बना है, वो सीधे पानी में रहते हैं और सीधे पानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख देना एग्जाम्पल के तौर पर एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल आपका हो गया। अच्छा, दूसरा जो आपका सेकेंड ग्रुप जो है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखिएगा, यूरियोटेलिज्म, URELISM, यूरियोटेलिज्म, URELISM, यूरियोटेलिज्म। ठीक है, यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म। इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखना है इसमें, एलिमिनेट एलिमिनेट अमोनिया, एलिमिनेट अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, एलिमिनेट
अमोनिया, अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, एलिमिनेट अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो क्या होता है भाई, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आपका लिवर होता है, ठीक है, और लिवर का काम क्या होता है कि जो अमोनिया है उसको किसमें चेंज करे, यूरिया में चेंज करे। क्लियर तीनों को? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनमें लिवर होगा, ठीक है, और लिवर लगातार जो ब्लड में अमोनिया होगा लगातार उसको किसमें चेंज कर रहा होगा, यूरिया में चेंज कर रहा होगा, और फिर यूरिया जो होता है वो अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है, ध्यान रखना। ये जो यूरिया होता है वो बॉडी में 12 घंटे तक, 15 घंटे तक, 24 घंटे तक, 48 आवर तक भी रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं, बट ठीक है, 24 24 घंटे मान के चलना कि 24 आवर से लेकर 30 आवर तक आराम से यूरिया जो है वो बॉडी में रह सकता है, क्योंकि वो अमोनिया के मुकाबले क्या होता है, लेस पॉइजनस होता है, तो इतना ये हार्मफुल नहीं करता। क्लियर है तीनों को यहाँ तक? अरुण शेरवी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो वो यस क्या हो गया आपके, यूरियोटिलिज्म हो गया। सर, ठीक है, अच्छा ये आपके आपके क्या हो गया, जैसे इसमें सिंपल लिख लो हम, आपका क्या मैमल्स, इसमें सिंपल लिख लो आप मैमल्स, इसमें हम लोग भी आते हैं, ठीक है। हमारा क्या, जितना भी अमोनिया होता है लगातार हमारा लीवर जो है उसको यूरिया में चेंज करता रहता है, और यूरिया क्या होता है, थ्रू यूरिन हो गया, ठीक है, या थ्रू फेसेस हो गया, ये हमारे, या पसीने भी कई बार थोड़ा बहुत यूरिया निकल जाता है पसीने से भी, तो हम वो उसको इरेडिकेट करते रहते हैं, तो ये सेकेंड तरीका हो गया। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सबसे हाईली टॉक्सिक जो वेस्ट है वो आपका क्या है, अमोनिया है, ठीक है। कई बार ऐसे भी लगाने को आता है, तो अमोनिया किसी भी हालत में 2 से 3 घंटे के अंदर बॉडी से बाहर जाना चाहिए, लेकिन उससे लेस टॉक्सिक क्या है, हमारा यूरिया है, ठीक है, और ये आपका 24 आवर से लेकर 30 आवर तक के बीच में मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग जो है यूरिन चले जाते हैं, तो यूरिन में यूरिया जो है बाहर विद इन 2 3 4 घंटे पानी पीते हैं तो निकलता जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हम लोग को पानी जो है वो ज्यादा पीना चाहिए, यानी कि कहते हैं कि 3 से 4 लीटर एक दिन में। तो जितना ज्यादा आप पानी पियोगे उतना, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपके जो शरीर में जो ये यूरिया जो कि बन, क्योंकि लीवर तो अपना काम करता रहेगा, आप सुबह से लेकर शाम तक खाते रहोगे, लीवर लगातार जो आपके ब्लड में अमोनिया है उसको यूरिया में चेंज करता रहेगा, और अगर आप ज्यादा पानी नहीं पियोगे तो एज जो है वो यूरिया आपकी बॉडी में ही रहेगा जब तक कि आप पानी पी के यूरिन ना बने और यूरिन से आप उसको बाहर ना निकाल, ठीक है। तो हाईली टॉक्सिक के मामले अगर आएगा तो ध्यान रखना इसी ऑर्डर में लगाना कि सबसे ज्यादा हाईली टॉक्सिक अमोनिया है, उसके बाद दूसरे नंबर का जो टॉक्सिक स्थिति है यूरिया है बट अमोनिया से कम ही होता है, और तीसरा जो आपका होता है जो अभी मैं कराऊंगा थर्ड ग्रुप, वो आपका होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ये सबसे कम आपका ऐसा नाइट्रोजन वेस्ट है जो आपके बॉडी में काफी समय तक भी रह सकता है, तो आपको हर्ट नहीं करेगा। खैर हम में तो इतना नहीं होता है, लेकिन अगर यूरिक एसिड जो है हमारे उसमें जमा हो जाए, जोड़ों में जमा हो जाए तो दर्द करता है। तो यहाँ रखना, ये आपका ऑर्डर है, कभी लगाने को आए एग्जाम में तो इसी ऑर्डर में लगाना, हाईली टॉक्सिक अमोनिया होता है, उसके बाद लेस थोड़ा सा टॉक्सिक यूरिया होता है, और उससे भी लेस टॉक्सिक अगर आए एग्जाम में तो यूरिक एसिड लगाना, ठीक है। तो अब थर्ड ग्रुप को ले लेते हैं, तो हमने पढ़ लिया अमोनोटिलिज्म, पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया यूरोटिलिज्म, अब थर्ड ग्रुप पढ़ेंगे जो कि यूरिक एसिड बनाता है, लिखिएगा यूरिकोटिलिज्म, URICOTELISM, ठीक है, यूरिकोटिलिज्म, थर्ड ग्रुप लिखिएगा यूरिकोटिलिज्म, यूरिकोटिलिज्म, इसमें लिख लीजिए एलिमिनेट अमोनिया, एलिमिनेट अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, एलिमिनेट अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड जो है वो काफी टाइम तक रह सकता है बॉडी के अंदर, इसमें लिख लो ये किसमें मिलता है आपका, खास तौर पे आपके लिख लीजिए इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स हो गया प्लस आपका रेप्टाइल्स हो गया, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स हो गया यहां तक तीनों का, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको एक्सक्रीशन का ये 3 ग्रुप बनाए गए हैं, अमोनोटेलिज्म हो गया, यूरियोटेलिज्म हो गया और यूरिकोटेलिक हो गया। ऊपर से याद रखना अमोनिया पहले वाले में हो गया, यूरिया दूसरे वाले में हो गया, और यूरिक एसिड जो है वो तीसरे वाले में हो गया। क्लियर है यहाँ तक अरुण फिर भी यस सुना, ठीक है। चलिए अब एक्सक्रीशन में तो ये पहला पार्ट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा आता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिया। अब अगला लिखिएगा इसी में ही,
द ह्यूमन किडनी. शुरू करने से पहले और चीज लिख लेते हैं जो एग्जाम में आता है. लिखिए ऑर्गेन्स ऑफ एक्सक्रीशन, छोटा सा हिंट डाल दो, ऑर्गेन ऑर्गेन्स ऑफ ऑर्गेन्स ऑफ एक्सक्रीशन, ऑर्गेन्स ऑफ एक्सक्रीशन. ठीक है, ऑर्गेन्स ऑफ एक्सक्रीशन. तो सबसे पहला लिखिएगा आप ऑर्गेन्स ऑफ एक्सक्रीशन में, पहले एक तरफ मैं एनिमल लिखाऊंगा, एक तरफ उनके जो ऑर्गेन है वो लिखाऊंगा. तो पहला लिख लो आपका अपने वर्ड्स या क्लास 7-8 में बनाया हुआ डायग्राम, पैरामीशियम. पैरामीशियम, पैरामीशियम. ठीक है भाई, जैसे आप इसको सिंपल ला दूं कि तो आप लोग कंफ्यूज ना रहो, ऑर्गेन ऑफ एक्सक्रीशन क्यों पढ़ रहे हैं. जैसे हम लोगों में क्या किडनी है. ठीक है, तो ऐसे ये लोग हैं, इनमें क्या होता है भाई, किडनी तो होती नहीं है इनमें. तो पैरामीशियम में लिखिए क्या होता है, मैथ द फॉलोइंग में आता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रेक्टाइल, TRACTILE, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है, एग्जाम में आया तो ये लगा देगा. पैरामीशियम में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होता है वो आपके इनमें एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं, मतलब एक्सक्रीशन ऑर्गन. दूसरा लिखिएगा प्लेटी हेलमिंथिस, मैंने कराया था आप लोग को, डाउन वर्म जो आपके होते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस. इनमें लिखो भाई, इनमें आपके क्या होते हैं, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल. ठीक है, इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो आपके फ्लेम सेल्स होते हैं. देन थर्ड आपका लिखिए आपका क्या, अर्थवॉर्म, जो आजकल आप देख ही रहे हो बरसातों में खूब निकल रहे हैं, अर्थवॉर्म. इनमें क्या होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका, नेफ्रिडिया, NEPHRIDIA, नेफ्रिडियम. ठीक है, उसके बाद फोर्थ लिखिएगा आपका प्रॉन्स, PRAWNS, प्रॉन्स. ये सी फूड की तरह लोग खाते भी हैं प्रॉन्स. इसमें आप लिखिएगा ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्रीन ग्लैंड्स. ठीक है, प्रॉन्स आपके क्या हो गए, इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो आपका होता है ग्रीन ग्लैंड्स. ठीक है, उसके बाद भाई आ जाओ फिफ्थ आपका इंसेक्ट्स, जितने भी आपके इंसेक्ट्स हैं मच्छरों को छोड़ के, हाँ, जैसे कि आपके क्या हो गए, स्पाइडर्स हो गए या मेलिपीडस सेंटीपीडस. देखा होगा ना आजकल बहुत कीड़े, वो बहुत सारे पाँव वाले चल रहे होते हैं आपके. ठीक है, स्कॉर्पियन हो गया, यानी कि जैसे बिच्छू हो गया, ये सब है ना, ये सब के अंदर क्या होंगे आपके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे, लिखिएगा मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, MALPIGHIAM, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, TUBULES, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स. ठीक है, इंसेक्ट में जो हो गए वो मेलपिगियन क्या हो गए आपके, ट्यूब्यूल्स हो गए. हो गया यहाँ तक सबका, लिख दिया. तो ये मैथ द फॉलोइंग में कई बार आपके एग्जाम में आता है. सबको क्लियर आवाज पहुंची थी ना, सबने लिख दिया है. ठीक, चलो अब हम लोग जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है किसका लेंगे, ह्यूमन बींग का लेंगे. ये मैं भी हमने डेली जरूरी के लिए पढ़ा ही दिया था. ये आपका एक किडनी का क्या है, आपका एक स्ट्रक्चर है. तो हम लोग बहुत डिटेल तो नहीं जाना है, बस बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे किडनी के बारे में, फिल्ट्रेशन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, वो सब चीज़. ठीक है, अच्छा, किडनी के जो ये स्ट्रक्चर है आपके, कोई भी जनरल स्टडीज़ की अगर आप लोग बुक आपके पास है, कोई भी आप लोग हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपके दे रखे हैं उसमें, हमने उसमें इतना नहीं जाना है. अब जो मेन मेन चीज़ें हमने वो पढ़नी है, तो हेडिंग डाल देना किडनी, हेडिंग डाल दो किडनी, किडनी हेडिंग डाल दो. धीरे बताता हूँ कैसे करके आएगा. इसमें लिखेगा पहला पॉइंट, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन्स, इज नेफ्रॉन्स. इसी के बारे में हमको पढ़ना है. ठीक है, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन. तो ये जो आप डायग्राम सामने देख रहे हो, इसमें ये जो दिखा, आपको दिख रहा होगा नेफ्रॉन लिखा हुआ, ये असल में एक्चुअल में जो सारा फिल्ट्रेशन का काम होता है, जो ब्लड आपका क्या होता है, प्योरीफाई होता है, कि जब ब्लड में जितनी भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकले और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए, तो एक्चुअल में ये जो बेचारे नेफ्रॉन्स हैं ये आपके लिए काम कर रहे होते हैं.
और नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कहते हैं कि जो हमारा बर्थ होता है उस समय जितने नेफ्रॉन्स होते हैं वो जिंदगी भर उतने ही नेफ्रॉन्स रहते हैं, और यही नेफ्रॉन्स जो है लगातार फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। तो मैक्सिमम टाइम जो है वो क्वेश्चन जो बनते हैं वो नेफ्रॉन से ही बनते हैं। किडनी के बारे में जो ये स्ट्रक्चर है कि हीलम क्या होता है, रीनल पैपिला पिरामिड यूरेटर हो गया, रीनल साइनस हो गया, ये सब चीजें वो लोग नहीं पूछते हैं इतना जितना वो नेफ्रॉन्स के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेफ्रॉन का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में जो आता है उस तरीके से समझाएंगे। अब मैं बात करूं कि नेफ्रॉन्स की जो पॉपुलेशन है कि एक हेल्दी ह्यूमन में नेफ्रॉन्स कितने होते हैं, तो वो कहते हैं कि मिलियंस के हिसाब से बताते हैं दोनों किडनियों को मिलाकर। ठीक है, और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक आपके नेफ्रॉन्स होते हैं, उस चीज को एक नेफ्रॉन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाते जाना आप लोग अपनी कॉपी में, थोड़ा सा ऐसे बना लो इसको जैसे मैं बना रहा हूँ। कुछ इस तरीके से है ना, इतना पहले हिस्सा बनाओ, ये कुछ है ऐसे करके जैसे हाथ बन रखा है। ठीक, और उसके बाद इसको नीचे डाउन कर दो, फिर आपका इसको ऊपर की तरफ लेके आना और फिर ऐसे। ठीक है, पहले ये डायग्राम बना दो। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको एक लेके आना है यहाँ पर, और इसको फिर यहां से बाहर। ठीक कर लिया इतना। यस सर। फिर भी हो गया, ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, ध्यान रखना। आपके बॉडी में बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मतलब किडनी में बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन लगातार काम करते रहते हैं, एक सांप जैसे ऐसे करके हाथ बना दिया। हो गया शिरवी अरुण, यस सर। अच्छा अब देखो इसके हम पहले लेवलिंग शुरू करते हैं। तो ये जो आपका है ये इस पे लिखना एफिरेंट, AFFERENT, एफिरेंट रीनल, इतना बस लिखो एफिरेंट रीनल। इसका काम क्या है, जितना भी आपकी बॉडी में क्या है इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड मतलब वो ऑक्सीजन वाला नहीं, ऐसा ब्लड जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज है। ठीक है, क्योंकि आप लगातार खाना खा रहे हो, लगातार वो ब्रेक हो रहा है, उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, वो आपकी बॉडी से निकलना जरूरी है थ्रू यूरिन। ठीक है, तो यहाँ से सारा जो इम्प्योर ब्लड है वो ट्रेवल करता है इधर की तरफ। ठीक है, और ये जो आपका है इसको हम लोग बोलते हैं एफिरेंट। बस फर्क क्या है, यहाँ स्पेलिंग ई से शुरू है, EFFERENT, एफिरेंट रीनल, एफिरेंट रीनल। ठीक है, ये जो निकल रहा है ये आपका एफिरेंट है, EFFERENT, एफिरेंट रीनल, और वो एफिरेंट है, ये ब्लड को प्योर करके वापस ले आ रहा है। यहां तक क्लियर है तीनों को? ठीक है, एफिरेंट कहाँ से आ रहा है और इफिरेंट कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसे कर देना डाइजेस्ट करके, ये इतना जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, BOWMANS, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर जितना मैंने बनाया है बोमेंस कैप्सूल कर दिया यहां तक, बोमेंस कैप्सूल हो गया था। ठीक, यस अरुण लिख रहे पा रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा तो फिर इसका मैं वीडियो भेज दूंगा। सुनारी आपका हो गया ना। ठीक, यस सर। उसके बाद ये जो अंदर का है जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूं बस उसको ही ड्रॉ करना, ये जहां पे ये एफिरेंट आ रहा है और ये ऐसा गुच्छा सा बना रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर इसको ये
जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS, यहीं पे एक्चुअल फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आपका क्या है, बोवन कैप्सूल है पूरा का, बड़ा से पार्ट को बोला है, उसके अंदर का जो है जहां पर वो एफिरेंट ब्लड लेके आ रहा है, इम्प्योर ब्लड को, और गुच्छा बना रहा है, से स्पाइरल बन जा रहा है, और फिर यहां से ब्लड वापस जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होता है, जहां पे मैंने ग्लोमेरुलस लिखा है, यहाँ पे क्या होता है, एफिरेंट जो है रीनल, ये इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, और यहाँ पे जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो क्या होती है, फिल्टर होके, मैं कलर चेंज कर दूँ, फिल्टर होके कहाँ जाती है, यहाँ। ठीक है, यहाँ जहाँ मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, ये जो डॉट डॉट्स हैं ये सारी क्या है, इम्प्योरिटीज है। ठीक है, और यहाँ से जो बचा हुआ ब्लड है वो वापस कहाँ जाता है, एफिरेंट में जाता है, जो कि प्योर हो चुका होता है। इतना समझ में आ रहा है तीनों को? ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, एक छन्नी मांग, इमेजिन करो कि छन्नी लगी हुई है, छन्नी में आपका ब्लड आ रहा है, तो छन्नी से, यानी कि उसमें छोटे छेद हैं, उस छेद में क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी वो उस छेद से होते हुए इधर की तरफ आ जाएंगी, कहाँ पे, जहाँ पे मैंने नंबर वन लिखा है, इधर की तरफ आ जाएंगी, और ब्लड में सिर्फ क्या बच जाएगा, प्योरिटी बच जाएगी। यहाँ तक क्लियर है तीनों को? ठीक, यस शिरवी, अरुण क्लियर है? यस सर ठीक, यस अच्छा, सर अब क्या होता है कि ये जहां मैंने नंबर वन लिखा है, यहां पर क्या होता है कि इम्प्योरिटीज के साथ कुछ कुछ काम की चीजें भी आ जाती हैं, जैसे कि बहुत सारे जो आयन्स होते हैं, जैसे कि पोटाशियम आयन हो गया, सोडियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया। ठीक है, ये भी छन के इधर आ जाते हैं। ठीक है, वो बहुत आम बात है। तो क्या होता है कि बॉडी को तो इसकी जरूरत है, यानी कि यहाँ तो हो गया फिल्ट्रेशन, उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस होगा यहाँ पर, जितना मैंने भी बनाया, ये बनाऊंगा अभी, इसको हम लोग बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि ये जो चीजें हैं जो कि छन के गंदगी के साथ इधर पहुंच चुकी है, जहां नंबर वन लिखा है, उसको दोबारा बॉडी को या किडनी को क्या करना है, रीएब्जॉर्ब करना है, और दोबारा ब्लड को देना है कि नहीं भैया ये तो काम की चीजें हैं, ये तो ले जाओ वापस। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम और डिविजन करते हैं। डिविजन कैसे होगा, ये जो पार्ट है जितना मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं PCT, ये लिख दो PCT, PCT। अब PCT का फुल फॉर्म क्या हो गया, प्रॉक्सिमल, PROXIMAL, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, CONVOLUTED, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, TUBULE, लिख दिया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हो गया यहां तक? यस सर ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, जिसको ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां से लेकर यहां तक का, इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरे पार्ट को, ये वाले पार्ट को, लूप ऑफ हेनले, नाम शायद सुना होगा, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और ये जो आखिरी का पार्ट है, यानी कि ये पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं DCT, DCT। ठीक है, DCT का फुल फॉर्म क्या होता है, डी फॉर आपका होता है डिस्टल, बस बाकी CT वही होगा, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां लिख देता हूं, डिस्टल, DISTAL, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हो गया था? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कर लिया सबने? ठीक यस है, तो अगर हम एक वो हटा दिया तो फिर कोई बात नहीं, गलती हो गया, कोई बात, एक मिनट, तो यानी कि एक मिनट, जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें अगर हम लोग क्या करें, ऑर्डर वाइज लगाएं, तो पहले क्या था आपका, बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या था,
ग्लो मेरुलस, फिर वहां से ब्लड कहाँ जाता है, ये पीसीटी में, पीसीटी से ब्लड कहाँ जाता है, लूप ऑफ हेनले में, फिर लूप ऑफ हेनले से कहाँ जाता है, गंदगी जो वेस्ट है आपका या जो वो है आपके डीसीटी में। ठीक है, कर लिया यहां तक, ये समझ में आ रहा है? अगर मैं ऑर्डर वाइज दिखाऊं यहाँ पे, देखो यहाँ पर यस सर, ब्लड आपका जो ब्लड है, इम्प्योरिटीज है, वो कौन लेके आया, एफिडेंट लेके आया, यहाँ पर क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, यहाँ से ब्लड वो इम्प्योरिटीज और जो ये थी सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये कहाँ गए, आपके पीसीटी में आए, तो पीसीटी में क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन होता है, कुछ सोडियम दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ब्लड में चला जाता है, कैल्शियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है, फिर लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, वाटर को दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, अगर चाहिए होता है वाटर तो बॉडी को, फिर कैल्शियम को दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, डीसीटी में भी लास्ट बार कोशिश की जाती है कि कुछ अगर है तो नहीं क्या काम की चीजें, क्योंकि इसके बाद जो है सीधा कहाँ जाता है आपका ये इम्प्योरिटीज, आपके यूरिथ्रा में, यानी कि यूरिन जहाँ इकट्ठा होता है और फिर यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है शिल्पी, अरुण, सोनाली, अरुण, यस सर, यस सर, तो आपको ध्यान रखना है कि जो फिल्ट्रेशन का काम है वो सिर्फ कहाँ हो रहा है, ग्लोमेरुलस में हो रहा है, और जो रीअब्जॉर्प्शन का काम है कि दोबारा जो काम की चीजें हैं वो दोबारा ब्लड में चली जाए, वो कहाँ पे होंगी, पीसीटी में एब्जॉर्ब होंगी, लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब होंगी, और कहाँ होंगी, डीसीटी में। ठीक है, तो जब भी आप अपना कभी वो कराते हैं 10 साल में या 15 साल में एक बार KFT करवाते हैं, किडनी फंक्शनल टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे उसमें सोडियम लिखा होता है, कैल्शियम कैल्शियम मैग्नीशियम की एक लिमिट लिखी होती है, यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, क्रिएटिनिन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपके नेफ्रॉन्स अगर ढंग से काम कर रहे होते हैं तो इनका जो एक लेवल होता है, स्टैंडर्ड लेवल जो होता है वो बीच में काम आपका कर रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका एक यस चीज हो गया। अब समझते हैं कि ये जो आपका क्या है, हाई बीपी, कहते हैं ना हाई बीपी जो है साइलेंट किलर होता है, तो जो हाई बीपी होता है, मैंने उस दिन बताया था कि हाई बीपी का मतलब क्या हो गया, कि जो ब्लड प्रेशर होता है लगातार आपका कितना हो, 140 प्लस हो नीचे का, और लगातार आपका बीपी जो है यहाँ पर 90, कई जगह मैंने पढ़ा था 95 प्लस नीचे का लगातार हो, तो यानी कि आप किसके शिकार हैं, हाइपरटेंशन के शिकार हैं, हाई बीपी के। तो हाई बीपी अगर आप ठीक नहीं करवाते हैं तो सबसे पहला जो असर होता है वो ब्रेन स्ट्रोक होता है, लेकिन अगर हाई बीपी लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं कराया जा रहा है, ठीक है, दवाई खा के या फिर अपना वजन कम करके एक्सरसाइज करके, तो 10 साल तक मान लीजिए आपने अपना हाई बीपी ठीक नहीं करवाया, 10 साल तक आप चुपचाप रहे, क्योंकि पता चलेगा नहीं आपको, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर से ही नापा जाता है, तो क्या होगा कि ये जो नेफ्रॉन है, एक इंडिविजुअल नेफ्रॉन जो होता है, फिर उसके फिल्ट्रेशन पे असर पड़ना शुरू होता है या उसके रीअब्सॉर्प्शन पे असर पड़ना शुरू होता है, फिर वहीं से जो है थोड़ी सी बहुत गड़बड़ियां जो है किडनी की शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपका बीपी, जैसे मैं बोल रहा 10 साल तो छोड़ दो, लेकिन जैसे फॉर टाइम बीइंग, जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर बहुत मतलब बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन है जो कि नॉर्मली होती नहीं है, तो आपका बीपी बढ़ जाता है, तो वो नॉर्मल है, उतना तो किडनी बोलती है कोई बात नहीं, इतना तो मैं रोज ही झेल लेती हूँ, किडनी बोलती है, लेकिन नॉर्मली 10 साल तक बीपी जो है वो हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो फिर इसमें जो ग्लोमेरुलस है या आपका पीसीटी है, डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, उसमें प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है, यहाँ तक क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूँ, कोई किसी को वो तो नहीं यहाँ तक, तो इसीलिए कहते हैं कि जो बीपी है वो आपका क्या रहे, कंट्रोल में। अच्छा, लो बीपी पे ही होना चाहिए, ध्यान रखना, लो बीपी का मतलब क्या हुआ, रीडिंग क्या होगी लो बीपी में, अगर लो बीपी है किसी को तो नॉर्मली भाई आपका जो बीपी होता है 120/80 होता है, लो बीपी का मतलब क्या होगा, नीचे वाला, अगर नीचे वाला आप सॉरी ऊपर वाला 120 जो है वो आपका किसके नीचे चला जाए, 90 के नीचे, और जो 80 है ये अगर 40 के नीचे चला जाए, तो भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो बीपी बोलते हैं। ठीक है, तो लो बीपी में भी क्या होता है, फिल्ट्रेशन ढंग से नहीं होता है, तो आपकी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि एक स्टैंडर्ड 120/80 या नॉर्मली अगर आपका बीपी अच्छा है तो 115/70 प्लस, ये सबसे अच्छा बीपी माना जाता है। ठीक है, अगर आपका ये बीपी है 70 और 80 के बीच में नीचे का और ऊपर का 110 और 120 के बीच में है, तो बहुत अच्छा बीपी आपका चल रहा है, तो ज्यादा अच्छा ऊपर का भी, और ऊपर का मैंने बताया कि आपका मान लीजिए 120 और 30 के बीच में तो भी ठीक है,
और यहाँ 80 और 90 के बीच में तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है यहाँ तक क्लियर सर। है? चलो अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं जो जरूरी है लिखना, एग्जाम में आता है, लिखिएगा पॉइंट बना के। लिखिए, इट इज एस्टिमेटेड दैट, पॉइंट बना के लिखिएगा, इट इज एस्टिमेटेड दैट, इट इज एस्टिमेटेड दैट दैट फिल्ट्रेशन प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, इन ग्लोमेरुलस, GLO, ग्लोमेरुलस याद आ गया ना कहां पर है, ये वाला। ठीक है, हम यहां की बात कर रहे हैं कि यहां पे क्या एक फिल्ट्रेशन प्रेशर होना चाहिए, जरूरी है, और वो कब होगा, जब आपका बीपी नॉर्मल होगा। तो लिखिए, फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ग्लोमेरुलस लिखिए कितना होना चाहिए, 20, लिखता हूं मैं, याद लिखता हूँ, लिखिए कितना होना चाहिए, 20 mmHg। ठीक है, ये सबसे अच्छा होता है, यानी कि जब आपका जो वो है बीपी अगर 120/80 है, तो बाय डिफॉल्ट आपका अपने आप जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा वो क्या होगा, 20 mmHg होगा। और जब आपका ज्यादा होगा तो ये भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ये भी आपका 25 पहुंच जाएगा, 30 पहुंच जाएगा, वो फॉर द टाइम बीइंग होता होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है कि आपकी जो दोनों किडनी है वो पर डे, एक 24 घंटे में कितना ब्लड प्योरीफाई करती है? भाई हमारी ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड है सोनाली, ह्यूमन बॉडी में एवरेज कितना ब्लड होता है हम लोग सर की? 5 लीटर हाँ, मतलब एवरेज मान के चलो 5 से 6 लीटर, लेकिन कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट होता है, कि बॉडी वेट का 7 या 8% आपका क्या होता है, आपका ब्लड होता है, तो हम 5 से 6 लीटर मानते हैं। ठीक है, एक एवरेज हमारे बॉडी में ब्लड होता है। तो इसको एक पॉइंट बनाकर लिख लो, विद इन 24 आवर्स बोथ किडनीज प्योरीफाई 170 लीटर्स, प्योरीफाई 170 लीटर्स ऑफ ब्लड। सोचिए आपकी दोनों किडनियां कितना काम करती हैं, 170 लीटर्स ऑफ ब्लड। ठीक है, इसीलिए मैं फिर दोबारा उसी पे आ रहा हूँ, टॉपिक पे जो मैं लगातार बोलता हूँ, जब भी आप उल जलूल चीजें खाते हैं, जैसे कि फास्ट फूड हो गया या बहुत ही हैवी आपका खाना हो गया, मैं ये नहीं बोलूंगा आप में से जो नॉनवेज खाते हैं ना खाएं, लेकिन अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसमें हैवी अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है आपका। ठीक है, तो किडनीज को क्या करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो कहते हैं वो सात्विक खाना जो होता है, सिंपल खाना जो होता है वो खाओ, किडनी को कम काम करना पड़ेगा। फिर जिनका बॉडी जो वेट होता है अकॉर्डिंग टू दी हाइट, अगर ज्यादा होता है तब किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो अपना बॉडी वेट मेंटेन रखो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। बीपी कुछ होता है तो प्रॉब्लम होती है किडनी को, शुगर होती है तो प्रॉब्लम आपकी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है सीधे किडनी को असर डालती है। लेकिन अगर आप, हाँ, और दूसरा वो कि जो लोग आपका लिकर पीते हैं, चाहे बियर पी रहे हैं, विस्की पी रहे हैं, या वाइन पी रहे हैं, या जो भी आपका रम जो भी होता है, ये सब किडनी को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, लिकर तो खैर किसी भी तरीके का लिकर हो, चाहे वाइन हो या जो भी वराइटीज होती है, वो किडनी को और लिवर को नुकसान पहुंचाती पहुंचाती है, चाहे आप कितना भी वो बोले कि भाई तो रेड वाइन पीने से हार्ट स्ट्रांग होता है या फलाना, उसकी ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर है यहाँ तक तीनों को? ठीक है, तो एक 24 घंटे में अगर एग्जाम में आ जाए कितना लीटर प्योरीफाई होता है, तो भाई 170 लीटर जो है वो आपको टेक करके आना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो मैं आगे बढ़ू? ठीक, यस सर। बस चलिए, इसमें फिल्ट्रेशन का हमारा हो गया। कल हमारा जो है एक इसमें और करेंगे, फिर उसके हम लोग मसल्स और वो सब चीजें करेंगे जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, वो करने में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल हम अखबार कर लें 3-4 दिन का, और फिर परसों अपना। अच्छा, आज का वीडियो किसी ने देखा जो मैंने भेजा था? टाइम मिला किसी को देखने का, जो उस पे था, हिंदी में था वैसे तो, लेकिन देख लेना उसको ना, वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप लोग के लिए टॉपिक अच्छे हैं। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है।